अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है रब्बे करीम से आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो आज का दिन है, देखें कैसा ठंडा और बादल बादल वाला। तो अब हम अपना काम शुरू करेंगे। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, अब किचन मैंने साफ़ कर ली है, तो अब मैं करूँगी खाने की तैयारी और एक नई सब्ज़ी आपको बनाना सिखाऊँगी, जो कि सर्दियों की बेहतरीन सब्ज़ी है और बहुत हेल्दी और फ़ायदेमंद। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर मैंने दाल बॉईल करने के लिए रखी है, ये मसाला रखती है गलने के लिए, फिर देखती हूँ। ये है कुल्फ़ा, बहुत अच्छी और मज़ेदार सब्ज़ी, और ये शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे ही पैकिंग में इधर मिलता है, ये मैंने दो पैकिंग डाली हैं, और ये ऐसे उसके गोल पत्ते होते हैं वेलवेट जैसे, बहुत मज़े का बनता है और हेल्दी होता है। और इधर मैंने ये निकाला है, ये पार्सले है, ये बना के रखूँगी। और ये धनिया है, इसे आया था मैंने दिखाता हूँ, आज इसको काटूंगी तो फिर इसको फ्रीज करूंगी। धनिया को मैं काट लिया, उठाऊंगी और इसको ऐसे लपेट के फिर इसी बॉक्स में रखूंगी। मेरे बनाने बनाने में काफ़ी ज़्यादा पीला हो गया था। अब मसाला हमारा गल गया, अब मैं इसमें थोड़ी टमाटो प्यूरी डालूंगी। साथ ही मेरी वॉशिंग मशीन जा रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है। अब इसको अच्छी तरह मसाले को भून के फिर मैं दाल डालूंगी और फिर बाद में कुल्फा डालूंगी। ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, रोटी के साथ बहुत मज़ा इसका आता है। और वैसे भी ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, मेरी अम्मी बनाती थी। ज़ीरा डालूंगी, अब इसको अच्छी तरह बनाऊंगी। धनिया ड्राई हो गया, अब मैं इसको जिप टॉप में डाल दूँ और फिर फ्रीज कर दूँ। फ्रीज कर दूँ, साथ साथ सफाई करना भी ज़रूरी है। इसको दम पे रख देंगे और
थोड़ी देर बाद बस ये बहुत जल्दी फुल्का गल जाता है। देखिए अभी से लगता है कि चटनी बन गई है, ये लगे ना। अब इसमें रखूँगी और ये जो दाल बची है इसको मैं ठंडा करके फ्रीज कर लूँगी, फिर किसी दिन इसको चने की दाल की खिचड़ी बनाऊँगी क्योंकि वो हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। तो अब नमाज का टाइम काफ़ी देर को हो गया, नमाज पढ़ूँ। थोड़ी देर और लगेगी, कुल्फे ने अपना पानी छोड़ दिया, इसी में ये जो थोड़ी बहुत दाल में कसर है या कुल्फा है वो गल जाएंगे। ऊपर कपड़े डालेंगे, कुल्फा दाल तैयार है। अभी ठंडा होगा तो इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा। चूल्हा मैं अब बंद कर दूंगी, इसे चूल्हे से हटा दूंगी। ये कपड़े जो सूख चुके हैं, बेडशीट्स और टॉवल, ये मैं तय करके रख दूंगी और कपड़े मैंने डाल दिए। अब मैं हीट ऑन कर दूंगी ताकि कपड़े सूख जाए। इसको इतना कर दूंगी हीट के ठीक है आगे, और काम मेरा हो गया। ये मैंने नीचे लेके जानी है। अब मैं मेहंदी का कमरा ठीक कर लूँ। बच्चों की फरमाइश पे उनके लिए साथ फ्राइज़ बनाए, वो फ्राइज़ कभी कभी शौक से खाती हैं खाने के साथ, और सालन सबको बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा बना था। अब हमारा खाने वाला का काम खत्म हो गया है। 6 बजने लगे हैं हमारे पास। अब मैं अपना मेहंदी का कहवा बनाऊंगी। किचन मेरा साफ हो गया और फिर बस मैं पारी तो पियेंगे फ्रूट्स का। 1 टी बैग मेहंदी के कहवे में डालूंगी और 1 अपने में। ये मैंने डाल दिया, इसको रखूँगी। होगी कभी।
एप्पल है, हमने कप में डाल दिया। बहुत खूबसूरत सा कलर बनता है जी। कावा हमारा तैयार हो गया है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।